भोपाल से खबर, आरटीआई एक्टिविस्ट और जेएस नेता को बर्खास्त किया गया है। डॉक्टर आनंद राय को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। इंदौर में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे डॉक्टर आनंद राय। जिला अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर आनंद राय थे। नौकरी में सदाचरण को लेकर सरकार ने यह कार्रवाई की है। बड़ी खबर, कार्रवाई हुई है डॉक्टर आनंद राय के खिलाफ और उन्हें बर्खास्त किया गया है। जिला अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे डॉक्टर आनंद राय और सरकार ने नौकरी में कदाचरण को लेकर यह कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त किया है। बता दें, नौकरी में कदाचरण को लेकर, अनियमितता को लेकर सरकार ने यह कार्रवाई की है और उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। चलिए इस खबर पर और जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है, डॉक्टर आनंद राय को नौकरी से बर्खास्त किया है। बिल्कुल दीपक, लंबे समय से डॉक्टर आनंद राय के खिलाफ कई शिकायतें मिल रही थी। करीब 8 ऐसे आरोप थे जो शिकायत थे वो उनके खिलाफ सिद्ध हुए। इस पर खासतौर से सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करना, कदाचरण करना, अपने कार्यस्थल पर मौजूद रहना, कई बार अवकाश पर चले जाना और अवकाश का जो आवेदन है वो नहीं देना, या यदि वो कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां पर जिस तरीके से एक रेस्टोरेंट में साइन होते हैं, एंट्री होती है, वो कभी नहीं करना, ऐसे कई मुद्दे हैं। करीब 8 ऐसे आरोप हैं जिनको लेकर सरकार लगातार उनसे पत्राचार कर रही थी, उनसे जवाब तलब कर रही थी, लेकिन लगातार कदाचरण और सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, ट्विटर पर पोस्ट करना, कई बार मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर लिखना या अलग अलग आरोप लगाना, कहीं ना कहीं सिविल सेवा जो नियम है उनके खिलाफ वो काम कर रहे थे। और यही कारण है कि 8 आरोप पत्र सिद्ध होने के बाद आज सरकार ने, लोक स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है। अब आनंद राय खासतौर से जो जैस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते नजर आते थे, आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर नजर आते थे और व्यापम में एक विजल ब्लर की भूमिका निभाते हुए डॉक्टर आनंद राय थे, लेकिन सरकार ने कई महत्वपूर्ण आरोप जो कह सकते हैं गंभीर आरोप के चलते उन्हें अब सेवा से बर्खास्त कर दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए सूरज, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।